हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 7R पे हैं और यहाँ क्या रहा है, निम्नलिखित समाकलों का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के ए से देखते हैं। हमें इंटीग्रेशन निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, बाई में है आपका एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू। एक काम करते हैं, अंश तथा हर में एक्स स्क्वायर से भाग करते हैं, ठीक है। लिखते हैं अंश तथा हर में एक्स स्क्वायर से भाग देने पर। हम लोग इसको इस तरह से सेट करेंगे ना, ताकि नीचे कोई ऐसा टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन हमें ऊपर मिले, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे भी उसी तरह से एक्स का पावर 4 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर यहाँ 1 आ जाएगा कट के ये, और प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर नीचे यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक काम करते हो, ऊपर आपको ऐसे रहने देना है 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाई में नीचे देखिए हम लोग यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस का 3 दे देते हैं, ताकि ये इसको इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर वापस हमें 1 ही मिल जाए, ठीक है। बैलेंस करने के लिए ऐसा किया है, ऊपर आपका है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और नीचे देखिए आपका क्या हो जा रहा है, नीचे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में एक्स इंटू में 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर और प्लस में 3 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या करते हैं इंटीग्रेशन, ऊपर है आपका 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और नीचे हम लोग इससे यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये फॉर्मूला एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि अगर एक्स माइनस 1 बाई एक्स को टी पुट करते तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हमें दिख रहा है, तो पुट कर देते हैं एक्स माइनस 1 बाई एक्स को टी और इसे डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू में डी टी बाई में डी एक्स। तो यहाँ अब हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू में डी टी। तो ऊपर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी टी और नीचे हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस में 3। चलिए यहाँ पर देखिए डी टी और नीचे है आपका टी स्क्वायर प्लस, इसे रूट 3 का स्क्वायर कर दें तो इसका टेन इनवर्स वाला ना फॉर्मूला बन जाएगा, यानी हो जाएगा 1 बाई रूट 3 टेन इनवर्स टी बाई में रूट 3 प्लस सी। तो चलिए अब यहाँ पर टी का वैल्यू एक्स माइनस 1 बाई एक्स रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बाई रूट 3 टेन इनवर्स यहाँ एक्स माइनस 1 बाई एक्स बाई रूट 3 प्लस सी। यहाँ अंदर एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बाई रूट 3 टेन इनवर्स, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटा में रूट 3 एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका बी नंबर देखते हैं, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बाई में नीचे है आपका एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करते हैं, लिखते हैं अंश तथा हर में एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, भाग देने का काम करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई में एक्स स्क्वायर, बाई में नीचे है आपका एक्स का पावर 4 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई में एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऊपर ये कट जाएगा 1 आ जाएगा 1 माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक काम करते हैं अब इसके बाद, देखिए नीचे इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और फिर माइनस 1 लिख देते हैं, 2 में से 1 गया 1 ही आ जाएगा, पर नीचे फॉर्मूले पे सेट करने के लिए अभी ऐसा कर रहे हैं।
ठीक है, तो ऊपर है आपका 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे देखिए यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स इंटू 1 बाई एक्स और प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से यहाँ ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर का। तो ऊपर आपका है 1 माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस का 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पुट कर देते हैं x प्लस का 1 बाई एक्स कोटि, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हमें दिख रहा है, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू में डी टी, ये हो जाएगा। तो ऊपर देखिए आपका डी टी आ गया और नीचे हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका तो फॉर्मूला जानते हैं ना जी, होता है 1 बाई 2 ए लॉग हो जाएगा टी माइनस 1 बाई में टी प्लस 1 प्लस सी। टी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 1 बाई 2 लॉग यहाँ एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, और नीचे हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस का 1 प्लस सी। ठीक है, चलिए तो ऊपर और नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई 2 लॉग एलसीएम होगा x, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और नीचे भी एलसीएम लेंगे x, तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस सी। एक्स से एक्स यहाँ कट जाएगा, यानी आ जाएगा 1 बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। यहाँ भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाई में एक्स का पावर 4 प्लस 1 का एक्स के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन निकालना। तो हम लोग लिखते हैं अंश तथा हर में एक्स स्क्वायर से भाग देने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई में एक्स स्क्वायर बाई में एक्स का पावर 4 बाई में एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बाई में एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब आगे इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ ये कट जाएगा एक बचेगा, तो ऊपर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस में 1 बाई में एक्स स्क्वायर, और नीचे यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई में एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है एक काम करते हैं, ऊपर देखिए हम लोग इसको ऐसे रखते हैं 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और बाई में नीचे है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस का भी 2 दे देते हैं। ठीक है, ताकि ये फॉर्मूले पे सेट हो जाए, और ये बैलेंस करने के लिए हमने 2 ऐड भी कर दिया है इसमें। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए नीचे हम लोग क्या करते हैं, ऊपर है आपका 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई में, नीचे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में एक्स इंटू में 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन ऊपर देखिए है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे आप इसे कर सकते हो एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस 2 है तो इसको हम लोग रूट 2 का स्क्वायर कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर x माइनस 1 बाई एक्स को t, और डिफरेंशिएट करते हैं इसे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू में डी टी बाई में डी एक्स, यानी आ जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू में डी टी। अब इसके बाद देखिए ऊपर आ गया डी टी, और नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का रूट 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स टी बाई में रूट 2 प्लस सी। टी का वैल्यू हम लोग वापस यहाँ रख देते हैं, तो हो जाएगा 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई एक्स बाई रूट 2, यही ना होगा, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स, आ जाएगा ऊपर आपका 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे हो जाएगा रूट 2 एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए, चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखिए, हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालने के लिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई में एक्स का पावर 4 प्लस 1 का एक्स के रेस्पेक्ट में। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ 2 से भाग और 2 से गुना करते हैं, ठीक है चलिए अब इसके बाद देखिए, ठीक है इतना कर सकते हैं,
चलिए अब देखिए, इस 2x² को हम लोग चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं x² + 1 और फिर प्लस में x² - 1, और नीचे है आपका x⁴ + 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। अलग अलग भाग कर देते हैं और इसका इंटीग्रेशन तो हमको पता ही है कैसे करना है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 बाई में x⁴ + 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 और बटा में x⁴ + 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब अंश और हर में x² से भाग करते हैं, अंश तथा हर में x² से भाग देने पर, डायरेक्ट हम लोग भाग देकर लिख देते हैं क्या आएगा, नहीं तो स्टेप हमारा बेकार में बर्बाद होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1 + 1/x² और नीचे हो जाएगा आपका x² + यहाँ पर आ जाएगा 1/x², ठीक है, यही ना, विथ रेस्पेक्ट टू x, और प्लस 1/2 यहाँ आ जाएगा आपका कितना, 1 - 1/x² और नीचे हो जाएगा आपका x² + 1/x² विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए अब उसी के हिसाब से फॉर्मूले पे सेट करते हैं, यहाँ 1 + 1/x² और नीचे इसे लिख सकते हैं x² - 2 + 1/x² + 2 विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ भी सेट करने के लिए वैसे ही करते हैं 1 - 1/x², यहाँ प्लस वाले में नीचे सेट करना होगा, तो x² + 2 + 1/x² - 2 विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए, 1/2 इंटीग्रेशन 1 + 1/x² और नीचे आपका क्या है, x² - 2 × x × 1/x + 1/x² + 2 विथ रेस्पेक्ट टू x, प्लस यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 1/2 यहाँ 1 - 1/x² बाई में नीचे आपका x² + 2 × x × 1/x + 1/x² - 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए आगे देखते हैं, 1/2 ऊपर आपका ये है 1 + 1/x² और नीचे हम लोग यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा x - 1/x² + 2, इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर 1/2 यहाँ है 1 - 1/x² और यहाँ नीचे जो है आपका हो जाएगा x + 1/x² - 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो इसके और इन दोनों के लिए अलग अलग हम लोग चलते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पर ले लें, लेट वन सॉरी x - 1/x = में t और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा 1 + 1/x² dx = में dt, और इसके लिए यहाँ पर हम लोग x + 1/x को यहाँ पर आप मान लेते हैं z और डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ आ जाएगा 1 - 1/x² dx = में dz। चलिए अब दोनों के लिए यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन, ऊपर आपका आ जाएगा dt और नीचे हो जाएगा आपका t² + 2 को हम √2² लिख देते हैं, और फिर प्लस 1/2 ऊपर यहाँ हो जाएगा dz और नीचे आपका हो जाएगा z² - √2². चलिए अब दोनों जगह हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये तो tan इनवर्स वाला है, 1/2 × में यहाँ 1/√2 tan इनवर्स यहाँ पर t बाई में √2, ठीक है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2√2, 1/2 ये होता है log z - √2 और बटा में z + √2 प्लस सी, जेड और t का वैल्यू यहाँ पर रख देते, तो t का वैल्यू आपके पास है x - 1/x, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, तो 1/2√2 tan इनवर्स x - 1/x/√2 प्लस 1/4√2 log x + 1/x इसका वैल्यू है और -√2, नीचे आपका x + 1/x और प्लस का √2 + c, यानी आप इसे लिख सकते हैं 1/2√2 tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x² - 1 / √2x
और फिर 1/4√2 लॉग एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2x, और नीचे आपका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर हो जाएगा x, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2√2x, रूट 2x और प्लस में से यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर देखिए अब हम लोग लिख सकते हैं 1/2√2 टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई में रूट 2x, और यहाँ पर प्लस 1/4√2 लॉग यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 और बाई में एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 1, ठीक है, और प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन है dx बाई में x इंटू में x का पावर 4 प्लस 1। एक काम करते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं इसमें, अंश तथा हर में x क्यूब से गुना करने पर, ठीक है, x क्यूब से गुना करते हैं, तो x क्यूब से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ऊपर आपका x क्यूब और नीचे हो जाएगा x का पावर 4 ना हो जाएगा, और यहाँ x का पावर 4 प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसमें पुट कर देते हैं हम लोग x के पावर 4 को, ऐसे हम लोग बना चुके हैं इंटीग्रेशन शुरू में, x के रेस्पेक्ट में 4x क्यूब इक्वल टू में dt बाई में dx, यानी कि आ जाएगा यहाँ x क्यूब dx इक्वल टू में dt बाई में 4। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, dt बाई 4 और इंटू 1/, यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, t इंटू में t प्लस 1। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1/t इंटू में t प्लस 1 dt। अब ये तो सिंपल है, इसको अलग अलग ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ पर देखो ना 1/t और माइनस का 1/t प्लस 1, एलसीएम लेके सॉल्व करेगा फिर वापस यही आ जाएगा, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/4, यहाँ हो जाएगा लॉग टी और फिर माइनस लॉग टी प्लस 1, और टी का वैल्यू जो है वापस यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, तो टी का वैल्यू यहाँ एक्स का पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ देखो पहले 1/4 लॉग डिवाइड में है, माइनस में तो डिवाइड में चलेगा, टी बाई में टी प्लस 1 प्लस सी, यानी फाइनली आप लिख सकते हैं 1/4 लॉग टी का वैल्यू, तो वही एक्स का पावर 4 बाई में एक्स का पावर 4 प्लस 1 प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालना है कॉस एक्स बाई में 2 प्लस का साइन एक्स इंटू में 1 प्लस का साइन एक्स का स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं, पुट कर देते हैं इसमें साइन एक्स को टी पुट करते हैं, और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कॉस एक्स डी एक्स जो हो जाएगा डी टी के इक्वल आ जाएगा, तो ऊपर 1 और यहाँ डी टी लगा देते हैं, यहाँ नीचे हो जाएगा 2 प्लस टी इंटू में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसके इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो यहाँ ले लेते हैं लेट 1/2 + t इंटू 1 + t का स्क्वायर इक्वल टू a/2 + t प्लस b/1 + t प्लस c/1 + t का होल स्क्वायर। चलिए उधर एलसीएम लेते हैं, नीचे है 1/2 + t इंटू में 1 + t का होल स्क्वायर, इधर एलसीएम इसका लेते हैं तो हो जाएगा 2 + t इंटू में 1 + t का होल स्क्वायर, ये इससे ये कट जाएगा, वैसे अब मैंने पहले ही कर दिया, इसमें से डिवाइड करेंगे ये कटेगा, ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करके, इसको तो मैं लिखना भूल ही गया, ठीक है, अच्छा इसमें से डिवाइड करेंगे तो 1 + t कट जाएगा, आ जाएगा b इंटू में 2 + t और एक 1 + t बचेगा, इसमें से डिवाइड करके कट जाएगा, ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नीचे यहाँ पर देखते हैं कि आप यदि t का वैल्यू माइनस का 2 रखते हैं, तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, ये माइनस 2 रखने से अंदर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि a का वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यदि यहाँ पर हम लोग t का वैल्यू मान लो माइनस का 1 रखते हैं, तो माइनस का 1 रखते हैं, ये वाला टर्म 0, ये वाला भी 0, यहाँ c आ जाएगा और c का वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, यदि t इक्वल टू में 0 रख देते हैं, तो 0 रखते ही यहाँ पर 1 a बच जाएगा, 0 रखते ही यहाँ पर आपके सिर्फ 2b, और 0 रखते ही यहाँ पर 2c,
इक्वल टू में आपका हो जाएगा 1। तो a का वैल्यू 1 और यहाँ c का वैल्यू है आपका 1 रख देते हैं, ठीक है। तो ये 1 से 1 कट जाएगा, इसको ले जाएंगे माइनस 2, यानी b का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से डिवाइड में माइनस का 1। तो a b c निकल गया, a का 1, b का माइनस 1 और c का 1, ठीक है। तो हम लोग किसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 बाई में 2 प्लस टी इंटू में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू में टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ऑफ a बाई में 2 प्लस टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, और फिर इंटीग्रेशन b बाई में 1 प्लस टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, और फिर इंटीग्रेशन c बाई में 1 प्लस टी का स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू टी। चलिए अब आगे a b c का यहाँ वैल्यू रखते हैं, a का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 बाई में 2 प्लस टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, b का वैल्यू माइनस 1, 1 बाई 1 प्लस टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, और c का वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो c का वैल्यू है 1, यानी कि 1 बाई में आ जाएगा 1 प्लस टी के होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू टी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा log 2 प्लस टी माइनस log 1 प्लस टी, और फिर यहाँ माइनस 1 बाई 1 प्लस टी प्लस सी। टी का वैल्यू क्या है, तो टी का वैल्यू यहाँ देखिए साइन एक्स है, साइन एक्स को रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में तो डिवाइड में चला जाएगा ना, लॉग 2 प्लस साइन एक्स और बाई में 1 प्लस का साइन एक्स और माइनस 1 बाई 1 प्लस का साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर में हमें इंटीग्रेशन निकालना है, कॉस एक्स बाई में 1 प्लस का साइन एक्स इंटू में 2 प्लस का साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हम लोग इसमें पुट कर देते हैं साइन एक्स को टी, और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी। चलिए देखते हैं, ऊपर आपका डी टी और नीचे हो जाएगा 1 प्लस का टी इंटू में 2 प्लस का टी। चलिए अब देखिए, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, लेट 1 बाई 1 प्लस टी इंटू में 2 प्लस टी इक्वल टू ए बाई में 1 प्लस टी और प्लस का बी बाई में 2 प्लस टी। उधर एलसीएम लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन पे ना ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, 1 बाई 1 प्लस टी इंटू में 2 प्लस टी इक्वल टू में एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर आपका 1 प्लस टी इंटू में 2 प्लस का टी, है ना। यहाँ इसमें से ये कट जाएगा, ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा 2 प्लस टी प्लस बी, इसमें से ये डिवाइड, ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस टी, ये इससे कट जाएगा। यदि आप टी का वैल्यू माइनस का 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 रखने पे यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। यदि टी का वैल्यू माइनस का 2 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 रखने पर यहाँ माइनस का बी इक्वल टू 1, यानी कि b का वैल्यू यहाँ से माइनस का 1 आ जाएगा। चलिए a और b का वैल्यू रख के उसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन 1 बाई में 1 प्लस टी इंटू में 2 प्लस टी इक्वल टू ये t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ऑफ a बाई में 1 प्लस टी विथ रेस्पेक्ट टू टी और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बाई में 2 प्लस टी विथ रेस्पेक्ट टू टी। चलिए अब अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं, ए का वैल्यू 1 है तो 1 बाई में 1 प्लस टी विथ रेस्पेक्ट टू टी और बी का वैल्यू यहाँ माइनस 1 है, ठीक है। तो यहाँ 2 बाई में टी विथ रेस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा लॉग 1 प्लस का टी और माइनस लॉग 2 प्लस का टी और प्लस में आपका सी, यहाँ माइनस में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा लॉग 1 प्लस टी बाई में 2 प्लस टी प्लस सी। टी का वैल्यू जो साइन एक्स था वो रख देते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस का साइन एक्स और बाई में 2 प्लस का साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10, हमें इंटीग्रेशन निकालना है, देखिए दिया हुआ है डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। तो इसमें एक काम कर देते हैं, हम लोग पुट कर देते हैं एक्स के जगह पर टेन थीटा, और तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स ना। चलिए आगे देखते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ 1 और इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा में डी एक्स, यानी कि डी एक्स इक्वल टू में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का क्यूब।
तो नीचे टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन ये सेक स्क्वायर हो जाता है ना जी, तो सेक का पावर सिक्स हो जाएगा नीचे, सेक स्क्वायर थीटा, सेक का पावर सिक्स थीटा डी थीटा डी थीटा, यहाँ देखिए ठीक है। अब इसे इसे काटेंगे तो यहाँ सेक का पावर फोर थीटा आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कॉस में बदल जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा कॉस का पावर फोर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसके बाद एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से चार से भाग और चार से गुना करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा। चार से भाग किए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए टू कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है जी, होता है वन प्लस कॉस टू थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो टू थीटा। अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, हो जाएगा वन बाई फोर, यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन इंटू में कॉस टू थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर टू थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए अब अगले स्टेप में यहाँ पर देखते हैं, वन बाई फोर यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा वन प्लस का टू कॉस टू थीटा, और यहाँ दो से भाग और दो से गुना करने का फिर से काम करते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉस स्क्वायर टू थीटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, वन बाई फोर इंटीग्रेशन, यहाँ वन प्लस टू कॉस टू थीटा, चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये वन बाई टू ऐसे रहने देते हैं, यहाँ आ जाएगा वन प्लस का कॉस टू थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस का कितना जाएगा फोर थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर डी थीटा, ठीक है। चलिए इस वन बाई टू से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए क्या आता है, वन बाई फोर इंटीग्रेशन अंदर हो जाएगा वन प्लस टू कॉस टू थीटा प्लस का वन बाई टू प्लस का वन बाई टू कॉस फोर थीटा डी थीटा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, वन बाई फोर इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, वन और वन बाई टू इन दोनों को ऐड कर देंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, टू कॉस टू थीटा प्लस का वन बाई टू कॉस फोर थीटा प्लस का थ्री बाई टू डी थीटा। अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करने का काम करते हैं, वन बाई फोर यहाँ अलग अलग पहले मल्टीप्लाई कर दें या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ही कर सकते हैं, टू कॉस का यहाँ हो जाएगा साइन टू थीटा और बाई टू प्लस वन बाई टू इसका हो जाएगा साइन फोर थीटा बाई फोर और प्लस का थ्री बाई टू थीटा, ठीक है, और प्लस में सी। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, टू से टू तो कट जाएगा, वन बाई फोर साइन टू थीटा और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा वन बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर तो थर्टी टू हो जाएगा ना जी, चलिए थर्टी टू हो जाएगा साइन फोर थीटा और प्लस का थ्री बाई कितना हो जाएगा एट थीटा प्लस सी। अब देखिए एक काम करते हैं, वन बाई फोर साइन टू थीटा और प्लस वन बाई थर्टी टू, यहाँ साइन इस साइन यहाँ लगा देते हैं फोर थीटा के लिए, तो हो जाएगा यहाँ पे टू साइन टू थीटा कॉस टू थीटा प्लस का थ्री बाई एट थीटा प्लस सी। अब देखिए हम लोग यहाँ फॉर्मूला पुट करने वाले हैं, साइन टू थीटा का टेन के फॉर्म में होता है इसका फॉर्मूला, टू टेन थीटा बाई में वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा सिक्सटीन टाइम्स में वन बाई सिक्सटीन, इसके लिए हो जाएगा साइन टू थीटा के लिए टू टेन थीटा बाई में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसके लिए हो जाएगा आपका वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा और बटा में वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा और प्लस थ्री बाई एट थीटा प्लस सी। अब टेन थीटा और थीटा का वैल्यू हम लोग इसमें रख देते हैं, तो देखिए इससे आप काट सकते हैं टू टाइम्स में वन बाई टू, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स है ना, एक्स को ही ना टेन थीटा माने थे और नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस का वन बाई सिक्सटीन, वन बाई सिक्सटीन, वन बाई सिक्सटीन अंदर हो जाएगा टू एक्स बाई में वन प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का थ्री बाई एट टेन इनवर्स एक्स प्लस सी।
एक काम करते हैं, इन दोनों में से कॉमन जो है उसको कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। 1/2, अच्छा 1/2 और इंटू में, 1/2 इंटू में एक्स बाई में 1+x² ही कॉमन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और फिर प्लस यहाँ पर होगा 1/8, ये तो कॉमन निकल चुका है ना जी, x बाई, या फिर यहाँ पे भी काट सकते थे हम लोग, ये 2 नहीं देना है तो ऊपर भी यहाँ काट सकते थे, यहाँ भी काट देंगे 8 टाइम्स में, ठीक है, और 1/2 निकल गया तब यहाँ 1/4 लिख देंगे, ठीक है ना जी। और ये तो बाहर निकल चुका है और यहाँ बच गया 1-x² बाई में 1+x² और प्लस का 3/8 tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस x² - 1, यहाँ ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अंदर आप एलसीएम लेंगे तो 4 × 1+x² होगा, यहाँ आ जाएगा 4+x² और प्लस का 1-x², ये हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का 3/8 tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसमें से देखिए ये भी डिवाइड में ऊपर जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/8 इसको कर देते हैं और यहाँ हो जाएगा एक्स 1+x² - 2 हो जाएगा ना, ये इसके साथ आएगा तो, और यहाँ पर अंदर हो जाएगा आपका कितना, तो 5 + 5 हो जाएगा और प्लस का 3x², ठीक है, और प्लस का 3/8 tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आप इसे इतना ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग मल्टीप्लाई भी इसमें कर देंगे तो भी कोई बात नहीं है, आप इतना ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको हमारे यहाँ पर 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से, तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पर जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।